मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सैटरडे मॉर्निंग है और मैं आई हूँ अपने कपड़े वॉश करने के लिए, हैंड वॉश करूंगी। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो गया है और ब्रेकफास्ट में आज बनाए हैं यमी यमी जमे। एक्चुअली क्या है ना कि दो दिन बाहर का ऐसे खाया ना, तो कुछ लाइट खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि जमे बेस्ट ऑप्शन है, वो मैंने कुक कर दिए। क्योंकि मैं अभी कपड़े वॉश करने बैठूंगी, फिर मैं शावर लूंगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और तब तक सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो फिर लेट नहीं होगा ना। तो इसे वॉक करके आई, सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और फिर मैं आई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। ये वाले जो कपड़े हैं ना, मैं ट्रिप पे लेके गई थी अपने न्यू वाले टॉप्स वगैरह सब कुछ, तो इनको मैं हैंड वॉश करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि कपड़े पहनने का मुझे जितना शौक है, उनको मेंटेन करने का भी शौक है, प्यार से रखने का। और ये चीज मैंने सीखी अपनी मम्मी से, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको कपड़े मेंटेन करने का बहुत ज्यादा शौक है। और इनको ना मैंने मॉर्निंग में ही जाने से पहले ना वॉक करने गई थी, तब मैंने इनको इजी में सोक करके रख दिया था, तो इनको रगड़ना वगैरह तो कुछ है नहीं क्योंकि ऐसे कोई गंदे होते नहीं है। हाँ, बस ये कि थोड़ा फ्रेशनेस आ जाए। तो बस हो गया इनको, ऑलमोस्ट वन आवर हो गया इनको सोक हुए हुए। बस इनको मैं हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करूंगी और बस हो गई मेरी वॉशिंग। फाइनली कपड़े वॉश हो गए हैं, मैं शावर लेके आ गई हूँ और अभी ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है क्योंकि हैंड वॉश करके ना कपड़े हमेशा बहुत ज़्यादा थकान होती है। लेकिन ये है कि कपड़ों को मेंटेन करना है तो फिर ये सब करना पड़ता है। और अभी कपड़े ना, चूंकि थोड़ा सा मोटा टेक्सचर था ना कपड़ों का, तो सूखने में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा देर कपड़ों में पानी भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि कपड़े ना उससे ख़राब होते हैं। इसीलिए ना 2 मिनट्स के लिए बस स्पिन किया है मैंने, कपड़े स्पिन हो रहे हैं, मैं तब तक थोड़ा बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और अभी किट में ही है मेरा जो स्किन केयर वगैरह सामान है। कहीं पर भी जाओ ना, भले ही छोटा ट्रिप हो, बड़ा ही बड़ा ट्रिप हो, पैकिंग करनी ही पड़ती है। तो बस इसको भी एम्प्टी करूँगी और थोड़ा ये कर लूँ, फिर जाके करूँगी ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख भी लगी है अभी काफ़ी तेज। और इधर हो गया है अनवित मित्तल का कैलेंडर रेडी 2021 जनवरी। तुम्हारा फोन आ रहा है और ये दिल भी आ गया मुझे आती आती का है। और ये देखिए, ये है कैलेंडर जो मैंने कस्टमाइज्ड बनवाया था। तो यहाँ पे 2021 का कैलेंडर रेडी हो गया। एक को हम थे नहीं, आज 2 तारीख है तो हम इस पे अभी कट करेंगे। ठीक है अनवित? यस। फाइनली अभी हम लोग ना सामान रखने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको अपनी न्यू ईयर की शॉपिंग दिखा देती हूँ, खाने पीने की, जो हम लोगों ने लोनावला से की है। तो आपने देखा ही था कि हम लोग लोनावला में एक शॉप पे गए थे, नवरत्ना शॉप। हमारी एक जो फ्रेंड हमारे साथ गई थी ना, वो मतलब बोल रही थी कि बहुत सालों से वहीं से ले रही हैं, उसी शॉप से, और मतलब अच्छी शॉप है क्योंकि वो शायद लोनावला की ही है, तो इसीलिए हम सब लोगों ने वहीं से ही सब चीज़ें ली हैं। और चिक्की की इतनी सारी वैरायटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमारे यहाँ तो एक ही चिक्की आती थी, वो गुड़ वाली ना, गुड़ और मूँगफली वाली या फिर तिल वाली, ये दो ही चिक्की मतलब आती थी यूपी में तो। लेकिन यहाँ पर लोनावला चिक्की के लिए फेमस है और जो लोग महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं, उनको तो पता ही होगा, बट मुझे बहुत सारे लोग और जगह से भी फॉलो करते हैं, इसीलिए मतलब मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। और इतनी सारी चिक्की, मतलब इतने सारे फ्लेवर, और मैं तो देख के ही हैरान हो गई कि हर चीज़ में मतलब ऐसे हर चीज़ का ही चिक्की बना रखा था। हम लोग ने कुछ लिए हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इमली वाली जो टॉफी रहती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है इमली वाली, ये ली है। और
काफी अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट तो आई थिंक समझेंगे एक ही जैसा रहता तो वही होगी। और उसके बाद ये ली है नवरत्ना चिक्की फज। मैंने टेस्ट करके देखा था वहाँ पे तो मुझे उतना समझा नहीं, मतलब पसंद नहीं आया। ये है ब्लैक सीड, जो फ्लैक्स सीड्स रहते हैं ना उनकी चिक्की है, और ये खा के बहुत बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा हेल्दी ऑप्शन है अनविक के लिए, तो मैंने ये ले लिया। अगर उसको कुछ मंच करने के लिए देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ना वो ओमेगा रिच होते हैं, तो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, इसलिए मैंने ली है। मैंने कभी नहीं सुनी थी फ्लैक्स सीड चिक्की, वहीं पर जाके फर्स्ट टाइम देखा। एक ये लिया है चना जोर गरम, और वो तो गाना है चना जोर गरम लाई में बाबू, यहीं का ही होगा वो, इसलिए बोल पता नहीं चना जोर गरम यहीं का है महाराष्ट्र का। हाँ 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 वो तो मैंने गाने में देखा है चना जोर गरम। नहीं खाया तो ये वहाँ पे भी है नॉर्थ में भी चना जोर गरम, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब ये यहाँ का है। ये है तिल की, तिल वाली ली है ये। और एक चिक्की हमने खोल ली थी ना कल, वो ग्राउंड नट वाली, वो मतलब कल न्यू ईयर के लिए हम लोगों ने मम्मी पापा को खिलाई थी। हाँ ये रबोक्स यहाँ पे, ये है ग्राउंड नट्स की, और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा था ये। और ये ली है कोकोनट चिक्की, कोकोनट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मैंने सरों को बोला था कि कोकोनट वाली जरूर लो, तो उन्होंने ये कोकोनट वाली ली है। और एक्चुअली मैं तो अनवित को लेके बाहर ही खड़ी थी, मैं अंदर नहीं गई थी, क्योंकि एक ना एक संभालने के लिए चाहिए ना। बाहर से मैंने बस लिस्ट देख ली थी और कुछ फोटोज देख ली थी, वहीं से ही फिर मैंने सौरभ को बता दिया था कि मतलब क्या लो, कुछ सौरभ ने अपनी मर्जी से लिए हैं मुझे सरप्राइज करने के लिए, न्यू ईयर गिफ्ट। ये है हमारा न्यू ईयर गिफ्ट। खाने पीने की चीज़ें भी गिफ्ट में हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा और चीज़ें गिफ्ट में मिले। और ये है वो वहाँ पे जो हमारे साथ एक भैया गए थे ना, वो हमेशा जिनको जो मैं फ्रेंड बोल रही हूँ ना उनके हस्बैंड, उन्होंने बोला है कि ये वाली जो चिक्की है ना ये मतलब वहाँ की बहुत अच्छी है, बादाम और पिस्ता वाली है ये वाली चिक्की, तो उनके कहने से हम लोगों ने ये वाली ली है। और ये ली हैं जेली कैंडीज अनमित के लिए, और ये उन्होंने बोला है कि ये जो है ना मिक्सचर, नवरत्ना मिक्सचर है ये, उन्होंने बोला कि ये इस शॉप के अलावा ना कहीं आपको मिलेगा नहीं, और ये बहुत अच्छा मिक्सचर है। हमने सोचा कि ले लेते हैं क्योंकि नमकीन के हम तो फैन हैं, इसलिए ये लिया है। और अगेन नहीं मैं दोबारा होगी, और ये वाली ली है पीनट्स लिए हैं ये वाली सौरभ ने, और इसके 2 पैकेट लिए हैं, और एक लिया है मोयतो। और वहाँ पे 2-3 फ्लेवर और थे, मुझे काला खट्टा चाहिए था, लेकिन काले खट्टे की ना बिग बोतल थी, लेकिन मुझे यही वाला साइज चाहिए था क्योंकि उतना ज़्यादा फिर घर पे और तो कोई खाता नहीं है, मैं खाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने कहा कि रहने दो, क्योंकि उनके पास ना छोटे वाला आउट ऑफ स्टॉक था। ये लिया है, और सेम शॉप से ही उनका बगल में स्वीट शॉप था, वहाँ से मुझे दिखाई देगा मेथी के लड्डू। मैंने मेथी के लड्डू लिए हैं, और एक में लिया है नारियल के लड्डू, यहाँ के नारियल के लड्डू ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मतलब प्रदीप स्वीट्स जो है ना उनके हमने खाए हैं, और सेम मुझे दिखाई देगा तो ये लिए हैं। तो बेसिकली ये है हमारी न्यू ईयर की शॉपिंग, लोनावला ट्रिप की शॉपिंग ये है। तो यही सामान है बस, अभी इनको अरेंज करेंगे आपको दिखाने के बाद, दिखा तो चुकी हूँ मैं। आज ना मॉर्निंग में ही मशीन लगा दी थी, तो उसमें ना जो भी बेडशीट्स थी और ओढ़ने वाली दोहर थी ना वो हमने वॉश कर दी थी। एक्चुअली हम लोग गए थे ना तो अपने साथ हम लोगों ने एक बेडशीट रखी थी और ओढ़ने वाली दोहर रख ली थी, क्योंकि वहाँ पे फिर ये रहता है ना कि हालांकि सैनिटाइज वगैरह सब कुछ था रूम, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना उस वाले बेड पर अपनी बेडशीट स्प्रेड कर ली थी, और साथ में जो अपनी दोहर थी ना वो हम लोगों ने अपनी यूज़ कर ली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना तो अपने साथ आप अपना मतलब ऐसे बेडशीट और ऐसे ओढ़ने वाले दोहर वगैरह साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना चीज़ें माइंड में नहीं आती हैं, और ऐसे अगर हम एक दूसरे से जानते हैं ना तो ही पता चलता है। तो ऐसे मतलब रखे ना, और वहाँ पर जब गए तो एक और जो हमारे फ्रेंड थे ना वो भी अपने साथ लेके आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि देखो कैसे सिमिलैरिटी हो जाती है, और ऐसे फिर अच्छा रहता है। आजकल का जो टाइम है ना उसमें थोड़ा सा बच के चलना
पड़ता है, इसीलिए आप लोग भी अगर जाएं तो अपने साथ ऐसे अपने ओढ़ने वाली दोहर और ये सब ले जाएं। ये इसको देख के मुझे जितनी खुशी हुई ना, बहुत बहुत ज़्यादा। हम लोग लेके आए थे ना गुड़हल के फूल और इस पर बहुत सारी कलियाँ आई थी, जिसमें से एक हमारा सूख के गिर गया है और ये नेक्स्ट ब्लूम हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर ये लग रहा है, टच वुड। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये वाले गुलाब देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हो गए हैं, इनको भी हम कली लेके आए थे लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से ब्लूम हो गए हैं। और ये गेंदा, और ये देखिए पिंक वाला कितना प्यारा, ये मतलब इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। बेसिकली हमारी जो मेहनत है ना, वो रंग लेके आई है। दो जो प्लांट्स थे ना छोटे छोटे वाले, वो बस मर गए हैं, उनका रीज़न समझ में नहीं आया। बाकी जो सब प्लांट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे से ब्लूम हुए हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ भी खा के आ जाओ लेकिन अपने घर के दाल चावल में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं है। क्यों सौरभ? बिल्कुल, सौरभ ये भी यही बोल रहे थे। हालांकि हमने वहाँ पे भी दाल खाई थी लेकिन वो दाल ना काफी स्पाइसी थी, और अपने दाल राइस ना अपने घर के ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। और उसके बाद मिल जाए सर्दियों का ये गरम गरम गाजर का हलवा, तो कहने ही क्या। और बहुत यम्मी बनाया मम्मी ने दाल तो। सिंपल दाल, टमाटर वाली। एक्चुअली दाल के अंदर जो बहुत ज्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना, स्पाइसेस, अरहर की दाल में, अरहर की दाल में ना वो बहुत ज्यादा स्पाइसी ना, अच्छे भी नहीं लगते वो। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है जो टेस्ट आपके बचपन से डेवलप हो जाता है ना किसी चीज को लेके, वो हमेशा रिमेन रहते हैं। पर्टिकुलर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बाकी यह है कि बाहर खाना खाते ही हैं और अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि अपने घर पे आके जब खाते हैं ना, तो दो तीन दिन के बाद तो वो अच्छा लगता है ना। बट यह कि हमारा जो ट्रिप था ना, वो बहुत अच्छा था, फन फील था। इतना हंसते हैं हम लोग, इतना हंसते हैं कि दिमाग की ना एकदम जो स्ट्रेस है कुछ भी है ना, वो सब फुर फुर करके उड़ जाता है। सब फेस्टिवल फिनिश हो गए लेकिन हमारा जो क्रिसमस ट्री है ना, वो पता नहीं कब जाके हटेगा, क्योंकि मैंने अभी डेयर किया था कि मैं क्रिसमस ट्री पैक कर दूं, लेकिन यहाँ पे देखो ये अनित, इनको उतारना नहीं है। देखो अनित पैक कर दें, पैक कर देते ना बाबू, तो सब फेस्टिवल ओवर हो गए। ये देखो बॉक्स कहाँ पे, उठा के लेके आओ बॉक्स, ये देखो मेरा बॉक्स कहाँ पे फेंका इसने, उठा के लेके आओ। मेरा जो पैकिंग बॉक्स था वही उठा के फेंक दिया बंदर ने। आई थिंक दिस टाइम इज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि अगर मैंने पैक किया ना तो मेरा ही काम बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो ऑर्नामेंट्स है ना, ये सब इधर उधर मिलेंगे, इसलिए बेटर ये है कि अभी रेस्ट कर लिया जाए, वही अच्छा ऑप्शन है। बुआ से बात करने लगा और हम यहाँ पे लग गए थे क्रिसमस ट्री पैक करने में, और वो जैसे ही आया, ये देखिए मैंने पूरा बॉक्स ना अपने पीछे ऐसे छुपा लिया, क्योंकि वो इधर ही घूम रहा है। देखो चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। फाइनली अनवित था बिजी अपने फूफू के साथ और हमने अपना क्रिसमस ट्री पैक कर दिया। फेस्टिवल सब चले गए तो बुरा लगता है, और पैक तो करना ही था, कब तक रखते, थोड़ी देर रोएगा, लेकिन ये है कि संभल भी जाएगा। और पैक करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर गंदा ही होता। और फेस्टिवल्स पे जब चीज़ें लगती हैं ना, वो तभी अच्छी लगती हैं, और फेस्टिवल्स के बाद ना फिर उनकी थोड़ा उतनी वैल्यू भी नहीं लगती है। अब नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं करूँगी अभी थोड़ा सा रेस्ट और फिर मैं मिलूँगी आपसे शाम में। Oh, 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 oh
लीजिए आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ इवनिंग टी। और सर्दी में जो चाय पीने का मजा है वो अलग है, हालांकि यहाँ पे उस लेवल के विंटर होते नहीं है लेकिन फिर भी होती तो है ही। और अभी चाय के साथ इंजॉय करेंगे हमारा टीवी टाइम। सौरभ ने लगाई है मूवी अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा है। और सौरभ शुक्ला ना मुझे ऑलवेज ऑलवेज पसंद है क्योंकि कॉमेडी बहुत बढ़िया करता है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और चाय आज डाली है अदरक के साथ लौंग और साथ में बड़ी इलायची और काली मिर्च, क्या फ्लेवर आ रहा है। चाय का भी अगर डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐड कर दो ना तो मजा आ जाता है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। हालांकि सौरभ को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है चाय के साथ, लेकिन मैं ना फिर भी कर देती हूँ। कैसी लग रही है सौरभ आज? लेकिन तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी ना? चाय पिया और चाय पीते ना अचानक से प्लान बन गया कि मंदिर होके आते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग फर्स्ट को गए थे प्रति शिरढ़ी दर्शन करने के लिए, और इस बार तो कल हम लोग आते आते लेट हो गए। और यहाँ पे है निगड़ी में ही है इस्कॉन टेंपल, वहाँ पे आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी रश लग रहा है क्योंकि काफ़ी कार वार पार्क हैं। आजकल हम लोगों के ऐसे रैंडम प्लान्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो चलिए अभी देखती हूँ कि कितनी शूटिंग की परमिशन होगी, क्योंकि आजकल मंदिर में भी ना शूटिंग वगैरह सब कुछ बैन कर दिया है तो शूट वगैरह करने नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं दिखाई दूँगी ऐसा कुछ वुड वाला, मम्मी बता रही है कि टेंपल बना हुआ है क्योंकि वो पहले आई हुई है यहाँ पे, तो दिखाती हूँ मैं आपको। इस्कॉन टेंपल हो गया है हमारा कवर, और अभी हम आए हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है भक्ति शक्ति चौक पर, वहाँ पे आए हैं हम लोग। मैं तो पहली बार आई हूँ, मम्मी आई हुई है पहले, तो सोचा कि यहाँ के दर्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क लगा हुआ है, तो आज बेसिकली हम सब मंदिर भ्रमण पे निकले हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाएंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे। क्या वो स्लीपर्स वहाँ निकालनी है? फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे, बना रहे हैं क्विक डिनर। आटा एक्चुअली लगा हुआ रखा है और इधर क्विक वाली आलू की सब्जी बनाएंगे। मम्मी बोल रही हैं कि फटाफट वो चॉप कर देती हैं, मैं इधर पराठे बनाना शुरू करूंगी। सौरभ ने ऑफर किया था कि बाहर बर्गर खा लेते हैं, लेकिन सब लोगों ने अवॉइड किया क्योंकि मन नहीं था खाने का। ये देखिए घर की मटरें ये निकाल के रखी हुई थी मम्मी ने, तो बस ऐसे फटाफट अगर सामान रेडी है ना तो खाना बनने में देर नहीं होती, क्योंकि आटा लगा हुआ रखा है, सब्जी कुकर में बन जाएगी तो हो गया हमारा डिनर रेडी। लेकिन अच्छा लगा, दोनों ही मंदिर बहुत अच्छे थे। और मैंने दो बुक्स भी लिए हैं इस्कॉन टेम्पल से, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी खाना खाने के बाद। वाला कृष्ण भगवान का मंदिर भी अच्छा बना हुआ था, दिन में ज्यादा अच्छा लगता है। ये कुकर अभी गर्म होगा। फाइनली डिनर कंप्लीट, किचन क्लीन, मेरी वॉक भी हो गई है और आज बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके। और आज मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें जो ग्रीन कलर का टॉप पहना था, जो कंप्लीट ड्रेस पहनी थी ना, उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि वो मैंने कहाँ से ली थी। हालांकि मैंने ब्लॉग में बताया कि टॉप मैंने एजियो से लिया था और स्कर्ट मेरी ग्लासगो की है, शायद मैंने टीके मैक्स से उठाई थी, मैं श्योर नहीं हूँ। और टीके मैक्स से ली होगी, नहीं तो नेक्स्ट से ली होगी, अगर नेक्स्ट का लेबल होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी।
तो ये था, और क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि वो कंप्लीट एक ड्रेस है, नहीं वो कंप्लीट एक ड्रेस नहीं है, अलग अलग ड्रेसेस हैं, और इस स्कर्ट को मैं बहुत वैसे पेयर करती हूँ, तो बहुत स्मार्ट ये ड्रेस लग रही थी। एजियो पे ये टॉप बहुत प्यारा मुझे मिला था, और अभी बहुत सारे टॉप आए रखे हैं एजियो के, तो दिखाऊंगी आपको फिर कभी। और चलिए आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी, क्योंकि अभी अनवित को भी सुलाना है, मुझे भी अपना स्किन केयर रूटीन करना है, कल भी एक व्लॉग पोस्ट करना है तो वो एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए चलिए आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी जो स्टोरीज़ हैं जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।